हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सनी ड्राइव जोन में और मेरा नाम है सनी। तो भाई आज की वीडियो होने वाली है फिर से जजमेंट को लेके। ये रेड टेप आप देख रहे हैं, ये आपका डेंजर जोन है, ये आपका सेफ पॉइंट है जो वाइपर ख़त्म हो रहा है। मिडल पॉइंट ये है, यानी कि दूर का रेफरेंस इससे लेंगे, राइट साइड का इससे। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ना जजमेंट में डर लगता है, गलियों में गाड़ी चलाने में डर लगता है। तो भाई इवन 6-6 महीने हो जाता है उनको, साल साल भर तक उनको डर लगता है। तो भाई उसका सॉल्यूशन है, क्योंकि आपको लेफ्ट साइड का पता नहीं होता कहाँ चल रहा है, तो उसका सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। लेफ्ट में आपके लिए कैमरा भी लगा हुआ है जो कि जस्टिफाई करेगा जो भी मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है। तो बहुत से लोगों को नहीं ट्रस्ट होता कि भैया लेफ्ट वाला टायर कहाँ पर चल रहा है। देखो ये जो मिडल पॉइंट होता है ना गाड़ी का, ये आपका यूज़ में आता है जब आपका डिस्टेंस होता है गाड़ी का, जैसे कि वहाँ साइकिल खड़ी है एक छोटी ईंट के पीछे, अगर लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पे अगर कुछ होता है तो आपको पता लगता है, वहां पे ये जजमेंट आपका काम आता है। लेकिन वहीं अगर कोई अगर पास में ऑब्जेक्ट है तो आप कैसे जजमेंट करेंगे ये मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। देखो ये आपका डेंजर जोन है, इससे आपको बाहर रखना पड़ेगा ईंट को, ठीक है। लेफ्ट में कैमरा लगा है, जस्टिफाई कर रहा है, आगे देखो साइकिल है, ठीक है। ये आपका भीड़ में गलियों में बोनट के आसपास कोई चीज़ है वहाँ पे काम करेगा। अब देखो अभी मैं सीधा चलाऊंगा ना तो गाड़ी मेरी लग जाएगी साइकिल पे, ठीक है, लग रही है। अब मुझे अगर साइकिल बचानी है तो मुझे राइट में करना पड़ेगा। अब देखो ये निकल गया पॉइंट, यानी कि मेरी गाड़ी सेफली निकल जाएगी। लेफ्ट में कैमरा लगा है, सब कुछ आपको दिख पा रहा होगा। तो भाई देखो 2-3 तरीके होते हैं, या तो आप देखो मैंने जो ट्रिक फॉलो करी थी जब मैंने गाड़ी चलाना सीखा, तो मैंने ट्रिक फॉलो ये करी थी कि मैंने टाइम दिया अपने आप को। मुझे 1 साल लग गया, तब भी मेरा जजमेंट इतना अच्छा नहीं हो पाया। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट जजमेंट चाहिए, जैसे आजकल लोग चाहते हैं कि जल्दी से गाड़ी चला के 1-2 महीने में सीख के हम लोग चले जाएं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इजीली गाड़ी चलाना सीख सकते हो, ठीक है, और गाड़ी आप लेके जा सकते हो। जजमेंट आपको इन पॉइंटर से मिल जाएगा, इंस्टेंट जजमेंट ट्रिक है, ठीक है। जैसे आजकल इंस्टेंट खाना आ रहा है, पैक्ड खाना, वैसे ही ये इंस्टेंट ट्रिक है, आप कहीं भी लगा सकते हो मार्किंग। बस आपको एक टेप की ज़रूरत है। कैसे करी, वीडियोस बहुत बना रखी हैं, 360 डिग्री जजमेंट वीडियो भी बनाई है। अब देखो सामने गाड़ी है, इसको मैं रेड टेप से नहीं लूँगा, इसका जजमेंट देखो मैं मिडल से लूँगा। ये मिडल निकल गया, रेड टेप मैंने नहीं देखी इस टाइम पे, गाड़ी मेरी निकल चुकी है। अब ये वाला रेड जो ख़त्म हो रहा है, ये वाला पॉइंट कब काम आएगा, इसको हम सेफ पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये आपके काम आएगा, देखो यहाँ पे आपका मिडल तो निकल रहा है, लेकिन सीधा ले जाऊँगा तो गाड़ी मेरी टकरा जाएगी, इसलिए मुझे हल्का सा राइड करके ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। निकल गया, अब यहाँ से मैं गाड़ी को सीधा कर दूँगा और गाड़ी मेरी निकल चुकी है। आगे पंच खड़ी है, पंच में भी देखो यही करेंगे। अभी गाड़ी तो मिडल निकल रहा है, गाड़ी लग जाएगी, और भी हम टच हो जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट निकाला और गाड़ी इजीली निकल गई है। तो भाई ऐसे आपको जजमेंट लेना है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई एक लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। और नए हो चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ जो कि आपकी ड्राइविंग को इम्प्रूव करती हैं, ठीक है। अब देखो आगे बाइक खड़ी है, स्कूटी भी आ रही है, तो इसको कैसे टैकल करेंगे, ये देखो बीच में से मैं निकाल रहा हूँ, राइट लेफ्ट का ये वाला, राइट में ये वाला जजमेंट ले रहा हूँ, लेफ्ट में ये वाला पॉइंट का जजमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे अपने को जजमेंट लेके गाड़ी को चलाना है इजीली, ठीक है। समझ में आ गई, आई होप समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। अब ये गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी का लेते, देखो बाइक है, बाइक को भी हल्का सा राइड करना पड़ेगा और गाड़ी को भी हल्का सा राइड करना पड़ेगा। निकल गया, गाय खड़ी है, अब गाय को भी हल्का सा राइड करेंगे, ये वाला पॉइंट निकालेंगे, ना कि मिडल पॉइंट निकालेंगे। मिडल पॉइंट निकालोगे तो गाड़ी आपकी 100% फेंडर उखड़ जाएगा। तो डर का सॉल्यूशन यही है, सबसे पहले देखो गाड़ी में 3 स्टेप आपको करने हैं अगर आपको गाड़ी को परफेक्टली चलाना सीखना है बिना डरे, तो आपको 3 स्टेप करने पड़ेंगे। पहला स्टेप है क्लच कंट्रोल करना सीखें, ठीक है, जितना हो सके क्लच को बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज करना सीखें। उसके बाद आप गियर शिफ्टिंग करना सीखें,
ठीक है। उसके बाद आप स्टेयरिंग कंट्रोल करना सीखे। जब ये तीनों चीज़ आपको थोड़ी बहुत करनी आ जाए भाई, उसके बाद आप गाड़ी चलाना सीख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जजमेंट लेना सीख सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है जी। तो ऐसे आपको गाड़ी चलानी है इजीली। अब आगे देखो ट्रैक्टर खड़ा है, निकाल के देखते हैं यहाँ से निकलेगी नहीं निकलेगी। देखो ये पॉइंट बचा रहा हूँ, ठीक है, ये येल्लो वाला पॉइंट बचाऊंगा, और यहाँ से भी येल्लो वाला बच रहा है, निकल जाएगी, यहाँ से भी येल्लो वाला बच रहा है, और हल्का सा राइट में करेंगे और ORVM बचा लेंगे। अब एंड में मैंने क्या करा, इस सिचुएशन में मैंने करा, देखो गाड़ी मेरी निकल रही थी, ठीक है, इस वाले पॉइंट से, लेकिन मेरी गाड़ी के ORVM लग जाते, इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे अपना एंड में जब गाड़ी पहुँचने वाली थी तब मैंने वहाँ पे अपना पिलर देखा, ORVM देखा कि टकरा तो नहीं रहा। जैसे ही मुझे लगा कि हाँ टकराने वाला है, मैंने हल्की सी राइट में गाड़ी को मोड़ दिया। तो ये सिंपल तरीका है गाड़ी को चलाने का, जजमेंट लेने का, ठीक है। तो ऐसे आप गाड़ी चलाएंगे। अब देखो आगे स्कूटी खड़ी है, यहाँ से देखता हूँ मैं निकाल के, इजीली निकल जाएगी गाड़ी। देखो स्कूटी बचाई पहले, यहाँ से राइट किया, ये वाला पॉइंट बचाया, और गाड़ी मेरी निकल गई है इजीली। तो ये तरीका होता है गाड़ी को चलाने का, ठीक है जी। अब आगे से लाइट मार रहे हैं वो, चलो कोई बात नहीं। बाकी भाई वीडियो कैसी लग रही है बताना जरूर। आई होप वीडियो तो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो भाई शेयर जरूर करना इस वीडियो को, जिसको ज़रूरत है गाड़ी सीखने की, जजमेंट सीखने की। और कमेंट ज़रूर करें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, उस टॉपिक पर भी वीडियोस आएंगी। अब देखो यहाँ पे ये चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी मुझे बोनट का जजमेंट लेना पड़ेगा। इजीली मैंने ले लिया, हल्का सा राइट किया और गाड़ी मैंने निकाल दी। तो इस तरीके से आपको गाड़ी चलानी है। कैमरा लगा हुआ है, स्पेशली आप लोगों के लिए कैमरा लगाया, ऐसी वीडियो मुझे नहीं लग रहा आपको मिलेगी यूट्यूब में। और यहाँ से भी निकाल लेंगे। बाकी भाई इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं और क्या ही चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।